साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्लास 10th के इंग्लिश का सिलेबस हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए में तीन बुकें हमारी होती हैं। प्रोज होता है, प्रोज में पहला चैप्टर होता है द इंसेंटेड पूल, सेकंड है ए लेटर टू गॉड, थर्ड है द गंगा, फोर्थ है सुकरात, फिफ्थ है टॉर्च बियरर्स एंड सिक्स है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो ये हमारे सिक्स चैप्टर जो प्रोज में होते हैं। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम लोग, जो सेकंड बुक हमारी होती है पोएट्री। पोएट्री में पहला चैप्टर हमारा होता है द फाउंटेन, सेकंड होता है द पसलम ऑफ लाइफ, थर्ड है द विलेज सॉन्ग और फोर्थ है द नेशन बिल्डर्स। इसके बाद थर्ड बुक हमारी होती है सप्लीमेंट्री। इसमें पहला चैप्टर जो होता है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, सेकंड है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और थर्ड है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। सेक्शन बी में हम लोगों का ग्रामर का पोर्शन आता है। तो आज हम लोग अपनी पोएट्री की बुक स्टार्ट करेंगे। तो पोएट्री में द फाउंटेन जो फर्स्ट पोयम है इसे हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है पोएट्री का द फाउंटेन। तो इसे जेम्स रसेल लॉवल के द्वारा कंपोज्ड की गई है ये पोयम द फाउंटेन। फाउंटेन का मीन होता है फव्वारा। तो इस पोयम में जो हमारा पोएट है वो फव्वारे के बहुत सारे गुणों को देखता है और उन गुणों को अपनाना चाहता है। तो इस पोयम ने जो पोएट है उसने फव्वारे का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं पोयम और इनकी लाइन का क्या अर्थ है। पहला है इंटू द सनशाइन। सनशाइन मतलब होता है सूर्य की धूप। इंटू द सनशाइन यानी सूर्य की धूप में। फुल ऑफ लाइट, फुल मतलब भरा हुआ, लाइट मीन्स प्रकाश से। तो सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना कूदना। लीपिंग का क्या मतलब होता है? उछलना कूदना। एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब चमकता। तो सूर्य की धूप में प्रकाश से भरा हुआ उछलता कूदता और चमकता रहता है। किसकी बात कर रहा है? फाउंटेन की, फव्वारे की। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता कूदता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मतलब सुबह, टिल नाइट मतलब रात में, सुबह से लेकर रात तक। तो पोएट जो है हमारा कहता है कि इंटू द सनशाइन यानी सूर्य की धूप में, फुल ऑफ द लाइट यानी यह प्रकाश से भरा हुआ होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता कूदता और चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर शाम तक। नेक्स्ट लाइन देखते हैं इंटू द मून लाइट। मून लाइट मीन्स होता है चंद्रमा का प्रकाश। तो चंद्रमा के प्रकाश में वाइदर देन स्नो, वाइदर का मतलब वाइट की तुलना की गई है, सफ़ेद रंग की तुलना की गई है। वाइडर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ। स्नो का क्या मतलब होता है? बर्फ। तो चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वाइट दर में सफ़ेद से, यहाँ वेदर का मतलब सफ़ेद से लिया गया, स्नो मतलब बर्फ। तो चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। आगे है वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग का मतलब होता है हिलना। वेविंग का क्या मतलब होता है? हिलना। तो ये फ्लावर मतलब फूल, लाइक मतलब तरह यानी उसकी तरह। तो यह फूल की तरह हिलता रहता है व्हेन द विंड्स ब्लो। व्हेन मीन्स जब, विंड मीन्स हवा, ब्लो माने बहती है। तो यह फूल की तरह हिलता दुलता रहता है जब हवा बहती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटू द स्टार लाइट। स्टार लाइट मीन्स क्या होता है? तारों के प्रकाश में। तो तारों के प्रकाश में रसिंग मतलब निकलना, इन स्प्रे, स्प्रे मतलब फव्वारे के रूप में। तो इंटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, रसिंग का मतलब निकलना, स्प्रे का मतलब फव्वारा। तो तारों के प्रकाश में फव्वारे के रूप में निकलता है। हैप्पी एट मिड नाइट यानी मिड नाइट मीन्स आधी रात में, यह आधी रात में भी हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहता है, आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे और यह दिन में भी प्रसन्न रहता है यानी यह हर वक्त जो है प्रसन्नचित रहता है। तो इंटू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे यानी तेजी से फव्वारों के रूप में निकलता है। हैप्पी एट मिड नाइट यानी आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे यानी यह दिन में भी प्रसन्न रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इवर इन मोशन। मोशन मीन्स होता है गत, इवर माने हमेशा, तो यह हमेशा गत में रहता है। ब्लिथसम एंड चेरी, ब्लिथसम और चेरी का मतलब दोनों का मतलब प्रसन्नचित होता है, तो यह हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वार्ड, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, और हीवन वार्ड मतलब स्वर्ग की तरफ, तो यह हमेशा स्वर्ग की तरफ चढ़ता जाता है। नेवर ए वेरी, यानी कभी थकता नहीं है, वेरी मतलब थकता, कभी थकता नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड का मतलब प्रसन्न होता है, ऑल मतलब सभी, वेदर्स के मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब मौसम, तो सभी मौसम में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, बेस्ट माने अच्छा, स्टिल हमेशा, तो हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, मोशन का मतलब होता है गति में, रेस्ट मतलब आराम में, कि ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, यही इसका आराम है, यानी एक बार यह ऊपर जाता है और एक बार ऊपर से नीचे आता है, तो इसी गति में ही इसका आराम है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फुल ऑफ नेचर, नेचर माने प्रकृति, यानी प्रकृति से भरा हुआ, यानी प्रकृति शक्ति से भरा हुआ, फुल माने भरा हुआ, तो प्रकृति शक्ति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू, नथिंग मतलब कोई भी, तो कोई चीज़ इसे पालतू नहीं बना सकती है, टेम मीन्स पालतू। चेंज्ड एवरी मोमेंट, मोमेंट माने क्षण होता है, चेंज माने परिवर्तित होता रहता है, तो हर क्षण यह बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी एक समान दिखाई देता है, तो कह रहा है फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई चीज़ इसे पालतू नहीं बना सकती है, चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है, इवर द सेम, फिर भी समान दिखाई देता है, यानी जो फव्वारा है चलता रहता है, हर समय वो गति में रहता है, फिर भी देखने पर वह हमें एक समान ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठना, तो निरंतर ऊपर उठता जाता है। सीजलेस कंटेंट, क्या लिखा है, चीजलेस कंटेंट, यानी हमेशा निरंतर, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट रहता है, कंटेंट मीन्स संतुष्ट हो जाना, तो हमेशा ऊपर उठता रहता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनलाइट, यानी अंधेरा हो या अंधेरा, या फिर सनलाइट मीन्स सूर्य की धूप, तो डार्कनेस मीन्स अंधेरा और सनलाइट मीन्स सूर्य का धूप, अंधेरा और सूर्य का धूप ही इसके दे एलिमेंट, इसके तत्व हैं, एलिमेंट मीन्स तत्व, तो अंधेरा और सूर्य का धूप जो है वही इसके तत्व हैं। आगे देखते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फवारे, तो जो पोएट है इन सभी गुणों को देखते हुए आगे क्या कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फवारे, लेट माई हर्ट बी, लेट माई हर्ट बी, हर्ट मीन्स होता है हृदय, काश मेरा हृदय भी ऐसा ही हो जाता है, जितने इसके गुण बताए गए हैं, तो पोएट कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फवारे, लेट माई हर्ट बी, काश मेरा हृदय भी ऐसा होता, कैसा, फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, यानी हमारा हृदय भी परिवर्तनशील होता, समय के हिसाब से अपने आप को हम बदलते रहते। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है स्थिर बना रहना, यानी जो हमारे अंदर सुविचार हैं वो स्थिर बने रहते। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी यानी तुम्हारी तरह, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी आगे बढ़ने का गुण प्राप्त कर लेता, तो पोएट कहता है कि शानदार फवारे, काश मेरा हृदय भी तरोताजा होता, परिवर्तनशील होता, स्थिर होता, और तुम्हारी तरह आगे बढ़ने का गुण मैं प्राप्त कर लेता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थैंक यू।